हेलो दोस्तों, आईकेडूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम के अंदर कितनी जल्दी बैटरी और इंटरनेट खत्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम स्क्रॉल करते हैं और रील्स देखते हैं तो इतनी जल्दी खत्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि इंटरनेट हमारा कब खत्म हो गया और हमारी बैटरी कब खत्म हो गई। आज मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा, जो तीन सेटिंग है वो बहुत ही खतरनाक सेटिंग है दोस्तों। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कर लेंगे तो आपका इंस्टाग्राम की जो भी बैटरी और इंटरनेट है वो कभी जल्दी खत्म नहीं होगा। आप चाहे जितना भी उसे यूज कर ले, वो जल्दी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये खतरनाक सेटिंग कौन सी है तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम पास किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हमारी जो खतरनाक सेटिंग है वो तीन सेटिंग क्या है जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल की जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग है प्राइवेसी में जाने के बाद में यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, जो नोटिफिकेशन है जो यहाँ पर शो हो रहे हैं वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि पोस्ट और स्टोरी एंड कमेंट में जाना है और ये जो लाइक है उसको ऑफ कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है उसको सबको यहाँ पर फॉर एवरीवन है तो उसको यहाँ पर ऑफ कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ बाहर आना है। बैक आने के बाद में फिर यहाँ नीचे देखना है फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स, तो यहाँ पर भी दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर ऑफ कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये नोटिफिकेशन किस चीज के है और क्या है। तो यहाँ पर जैसे अगर कोई हमें फॉलो करता है या फिर कोई भी अनफॉलो करता है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल के अंदर आ जाएगा। तो ये दोस्तों बिना काम की चीजें कोई मतलब की नहीं है, तो इसीलिए इस सबको ऑफ ही रखना है। उसके बाद में एक एक करके दोस्तों यहाँ पर सबको मैसेज को भी देखना है, कोई अगर हमें मैसेज करता है तो वो हमारे नोटिफिकेशन पे आ जाएगा तो उसको भी ऑफ रखना है। क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से हमारी जो बैटरी है वो बहुत ही ज्यादा इंस्टाग्राम खाता है। तो यहाँ पर सबको ऑफ कर देना है और उसके बाद में बैक आ जाना है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कॉल को भी उसी तरह से ऑफ कर देना है और यहाँ पर जो लाइव एंड रील्स है उसको भी ऑफ करना है और यहाँ पर फंडराइजर जो है उसको भी ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर जितनी भी सेटिंग है दोस्तों उसको ऑफ करने के बाद में यहाँ बैक आना है। यहाँ पर हमारी जो पहली सेटिंग है वो हो चुकी है दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल करने के बाद में थोड़ा नीचे लेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी। तो यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है डेटा सेवर तो वो ऑफ है और उसके नीचे अपलोड एंड एट हाईएस्ट क्वालिटी है जो उसको वो ऑन है। तो हमें उसको क्या करना है, ऑफ कर देना है और यहाँ पर डेटा सेवर को ऑन कर देना है। तो इससे दोस्तों हम जब भी हमारी जो डेटा बच जाएगा, जब इंस्टाग्राम यूज करेंगे तब यहाँ पर हमारा डेटा बहुत ही ज्यादा सेव हो जाएगा और जब भी हम अपलोड करेंगे हमारी जो फोटो और पिक्चर है तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारी जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो वो हाई क्वालिटी में जाएंगी, लेकिन जैसे इसको क्लोज करेंगे तो नॉर्मल क्वालिटी में और अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर हमारी जो मूवी रील्स वगैरह है वो अपलोड हो जाएगी एकदम अच्छी और बढ़िया क्वालिटी में। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में बाहर आना है। बाहर आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, तीसरी जो आखिरी सेटिंग है हमारी उसको करने के लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ा प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ आई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आई बटन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ डेटा यूसेज, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये डेटा नेटवर्क और वाईफाई पे, तो हमें हमारी जो डेटा है उसे बचाना है। वाईफाई पे रहेगा तो हम यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज करेंगे तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कितनी भी डेटा यहाँ पर कंज्यूम हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी जो मोबाइल का नेटवर्क है यानी जो हमारी मोबाइल का डेटा है उसे हमें बचाना है। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर बैक आ जाना है। तो दोस्तों अगर आप अपने इंस्टाग्राम को दिन रात भी यूज करेंगे तो आपकी जो बैटरी लाइफ है उसके ऊपर और आपके इंटरनेट के ऊपर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे जितना भी यूज कर ले अपने इंस्टाग्राम को, आपके बैटरी लाइफ पे और यहाँ तक कि आपके इंटरनेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही खतरनाक सेटिंग है दोस्तों। इस सेटिंग को करने के बाद में आप इजीली अपने इंस्टाग्राम को आराम से दिन भर भी यूज कर सकते हैं, आपकी बैटरी लाइफ और इंटरनेट कभी खत्म नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो दोस्तों इतना करके आप मुझे जरूर से सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।